यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई पेमेंट का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। हर छोटे बड़े ट्रांजैक्शन, चाहे चाय के पैसे देने हो, बच्चों की स्कूल फीस हो, दोस्त या रिश्तेदार को पैसे ट्रांसफर करने हो या अस्पताल का बिल चुकाना हो, हर जगह यूपीआई चलता है। यूपीआई का चलन बढ़ने के साथ ही बढ़े हैं यूपीआई से जुड़े फ्रॉड्स के मामले। पिछले कुछ सालों में लाखों लोग अपनी हजारों करोड़ की गाड़ी कमाई इसी फ्रॉड में डुबा चुके हैं। यूपीआई फ्रॉड ने लोगों को अब तक कितने का चूना लगाया? यूपीआई स्कैम का शिकार होने पर कहां और कैसे शिकायत करें, आइए इस वीडियो में जानते हैं। भारतीयों ने वित्त वर्ष 2024-25 के अप्रैल से सितंबर यानी कि 6 महीने में यूपीआई जालसाजी में फंसकर 485 करोड़ रुपए गंवाए हैं। इस ड्यूरेशन में यूपीआई धोखाधड़ी के कुल 6.32 लाख मामले दर्ज हुए हैं। वित्त मंत्रालय के हालिया आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक 27 लाख लोग यूपीआई फ्रॉड के शिकार हुए हैं और कुल मिलाकर उन्हें 2,145 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अकेले 2023-24 के दौरान 13 लाख से ज्यादा फ्रॉड के मामले दर्ज किए गए, जिससे आम आदमी को 1,087 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान यूपीआई के जरिए धोखाधड़ी का आंकड़ा 573 करोड़ रुपए था। इस लिहाज से देखें तो एक साल में यूपीआई फ्रॉड से गवाई गई रकम का आंकड़ा करीब 90% बढ़ा है। वित्त वर्ष 2023 में यूपीआई फ्रॉड के 7.25 लाख मामले दर्ज किए गए थे। हालांकि यूपीआई ट्रांजैक्शन के नंबर और वैल्यू की तुलना में यूपीआई से जुड़े धोखाधड़ी वाले लेन देन का आंकड़ा काफी कम है। मौजूदा वित्त वर्ष में सितंबर तक यूपीआई से 85.6 अरब ट्रांजैक्शन के जरिए 122 लाख करोड़ रुपए के पेमेंट किए गए हैं। एक साल पहले यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के दौरान 131.12 अरब यूपीआई ट्रांजैक्शन दर्ज हुए, जिनके जरिए करीब 200 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में एक सवाल के जवाब में बताया कि यूपीआई ट्रांजैक्शन फ्रॉड समेत दूसरे पेमेंट फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार, आरबीआई और एनपीसीआई की ओर से समय समय पर विभिन्न पहल की गई हैं। इनमें कस्टमर के मोबाइल नंबर और डिवाइस के बीच डिवाइस बाइंडिंग, पिन के जरिए 2-फैक्टर वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन, डेली ट्रांजैक्शन लिमिट जैसे कदम शामिल हैं। आरबीआई ने मार्च 2020 में सेंट्रल पेमेंट फ्रॉड इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्री यानी कि CPFIR की शुरुआत की थी। पेमेंट से जुड़ी धोखाधड़ी की जानकारी देने के लिए ये एक वेब आधारित रजिस्ट्री है। सभी रेगुलेटेड एंटिटी के लिए पेमेंट फ्रॉड से जुड़े मामलों की जानकारी CPFIR पर देना जरूरी है। वित्तीय धोखाधड़ी समेत साइबर क्राइम के शिकार लोगों के लिए गृह मंत्रालय ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी कि cybercrime.gov.in और नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 शुरू किया है। इसके अलावा ग्राहक ऑफिशियल कस्टमर केयर वेबसाइट या बैंक की ब्रांच में भी फाइनेंशियल फ्रॉड की जानकारी दे सकते हैं। वहीं दूर संचार विभाग ने संचार साथी पोर्टल पर चक्षु फैसिलिटी शुरू की है, जिसके जरिए लोग फ्रॉड की नीयत से की जा रही कॉल्स और SMS की शिकायत कर सकते हैं। UPI फ्रॉड समेत अन्य फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। किसी भी अनजान शख्स के साथ फाइनेंशियल और पर्सनल डिटेल्स साझा आप ना करें। शक होने पर तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन या पोर्टल पर शिकायत करें। आप जितना अलर्ट होंगे उतना ही आप सेफ रहेंगे।